क्या इन्होंने काम किया है क्या? या घर बैठने वाले को कोई वोट करता है क्या? बाप बदलने की बात करती है, लेकिन उन्होंने पिताजी के, मैं बाप नहीं कहूंगा, पिताजी के विचार को बेचा है। इतना बड़ा पाप किया है उन्होंने, उनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, वैसा मैं नहीं करता हूँ, मुझे बाबा साहब ने ऐसा सिखाया नहीं है। वो तो बाबा साहब ठाकरे जी के विचार भूल गए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। 400 पार का सपना भाजपा भी कह रही है, आप भी कह रहे हो, पूरा गठबंधन कह रहा है कि 400 पार हो रहा है, लेकिन कभी उद्धव ठाकरे कहते हैं कि 50 पार नहीं होंगे, राहुल गांधी कहते हैं 100-150 पे रुक जाएंगे, तो विपक्ष को ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहां से आ रहा है, क्या लगता है? नहीं, क्या इन्होंने काम किया है क्या? या घर बैठने वाले को कोई वोट करता है क्या? मोदी जी दिन रात काम करते है, 20-20 घंटे काम करते है, देश के सिवा कुछ दूसरा सोचते ही नहीं। और आज देश की जो प्रगति हुई है, देश का विकास हुआ है, ये मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में हुआ है। आज आप देखते हो 2014 से पहले बम फूटते थे, भ्रष्टाचार, घोटाले, क्या क्या हो रहा था। 2014 के बाद एक भी बम फूटा है? एक भी घोटाला, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी जी के ऊपर लगाने की हिम्मत उन्होंने की है? ऐसा प्रधानमंत्री, बेदाग प्रधानमंत्री मिला है, और इनके पास क्या है? ये 2014 से पहले तो कितने स्कैम किए इन्होंने, और आज जो 10 साल में जो देश में काम हुआ है, 2 साल में हमारे स्टेट में काम हुआ है, तो 50-60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, उतना काम मोदी जी ने किया, तो वोट किसको देंगे लोग? काम नहीं करने वालों को या काम करने वालों को? तो कौन सी दुनिया में घूम रहे है ये पता नहीं मुझे। सर, महायुति के बारे में एक चर्चा है कि जो महायुति के दल है, भाजपा और शिवसेना तो पारंपरिक मित्र रहे हैं हमेशा से ही, लेकिन जो बाकी नए दल जुड़े हैं कई, इसमें एनसीपी है, आरएसपी है, कवाड़े गुट है, ये पारंपरिक रूप से भाजपा और शिवसेना के सहयोगी नहीं रहे, इनके आने के बाद सीट शेयरिंग का मसला तो आपने आसानी से हल कर लिया, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आई, शुरू में लगा कि आ रही लेकिन नहीं आई, लेकिन इनके वोट्स ट्रांसफर को लेकर सबके मन में एक संदेह है कि क्या एनसीपी के सारे वोट शिवसेना या भाजपा के कैंडिडेट्स को मिलेंगे, या भाजपा या शिवसेना कैंडिडेट के जो वोट्स हैं वो एनसीपी के कैंडिडेट्स को जाएंगे? वोट ट्रांसफर एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो माहौल हम देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है जो माहौल महाराष्ट्र में, सब लोगों ने एक ही बात ठानी है कि मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और महाराष्ट्र से ज्यादा सीटें महायुति को लेना। इसलिए सब कार्यकर्ता जी जान से काम कर रहे। मैं देख रहा हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र में घुमा हूं, तो वोट ट्रांसफर का बात आता कहां से? मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है और सबका टारगेट एक ही है, इसलिए जो सोच रहे विपक्ष घर में बैठ के या नए नए फंडे लाके, वो उसमें कामयाब नहीं हो गए। सर, आपने जो ये महाराष्ट्र की जनता जो है, ये डेवलपमेंट को वोट करती है, जो काम करते उसके साथ जाती है। हमने डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर चुनाव लड़ रहे, बाकी दूसरा कोई एजेंडा नहीं है हमारा। सर, आपने जो उठाव किया, जिसको आप उठाव कहते हैं, उसको अब 2 साल हो गए लगभग, चुनाव आयोग का निर्णय आके 1 साल से ऊपर हो गया है, कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी 1 साल हो जाएगा, लेकिन आज भी आप पे आरोप वही लगते हैं, गद्दार, और आपका तो वो नाम तक उन्होंने बदल दिया है, कहना मेरा बाप चुराया है, पार्टी चुराया, निशान चुराया, तो आज भी वही आरोप है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या है उसके लिए, जो हमारे को जो शब्द यूज करते हैं वो उनको लागू होता है, क्योंकि 2019 में उन्होंने बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार को खो दिया, विचार छोड़ दिया। वो बाप बदलने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पिताजी के, मैं बाप नहीं कहूंगा, पिताजी के विचार को बेचा है। इतना बड़ा पाप किया है उन्होंने, उनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। तो हमारे को जो, हमारे लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो एक्चुअल उनके लिए है, क्योंकि 2019 में उन्होंने मित्र के साथ गद्दारी की, महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा दिया, और बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार को धोखा दे दिया। एक मतलब जब चुनाव हम साथ में लड़े थे, हमारी विचारधारा एक थी, शिवसेना और भाजपा की गठबंधन की सरकार होगी ऐसा लोगों का मानना था, लोगों ने इसीलिए वोट दिया था, शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, लेकिन लालच में मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस साथ थे, शरद पवार जी के साथ गए, और ये तो धोखा, बड़ा धोखा है, ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। ये तो मैं वो
शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, वैसा मैं नहीं करता हूँ। मुझे बाबा साहब ने ऐसा सिखाया नहीं है, हमारे दिग्गज साहब ने नहीं सिखाया, वो तो बाबा साहब ठाकरे जी के विचार भूल गए इसलिए ऐसी बातें करते।